हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और अपने जनरल नॉलेज को ज़रूर इंक्रीज कीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला कौन है, मतलब जो संगीत का जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे अधिक लेखन यानी इसके विषय में लिखने वाला व्यक्ति कौन है। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो है KCD बृहस्पति, इसका ये नाम है दोस्तों इस लेखक का KCD बृहस्पति, इसने सबसे ज़्यादा संगीत के सौंदर्य पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, शूमेकर लेवी नाइन नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकराया था। तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था, कौन टकराया था, शूमेकर लेवी नाइन नामक धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं दोस्तों, ये एक मिट्टी के पार्टिकल धीरे धीरे जुड़कर एक बहुत बड़ा ग्रह बना लेते हैं दोस्तों, तो इसे ही धूमकेतु बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शाहजहाँ का बचपन का क्या नाम था। आप सभी शाहजहाँ को तो जानते होंगे दोस्तों, शाहजहाँ जिन्होंने मुमताज़ की याद के अंदर ताजमहल का निर्माण कराया था, और जो ताजमहल है वो वर्ल्ड के 7 अजूबों में शामिल है। तो यहाँ पर शाहजहाँ की बात हो रही है, तो इनका जो बचपन का नाम था वो था दोस्तों खुरम इनके बचपन का नाम था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शंघाई G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ, किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों 1996 में आयोजित किया गया था और शंघाई यानी चीन के अंदर ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो दोस्तों वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल नदी बोलते हैं प्रजेंट में से, का स्थान कहाँ निर्धारित होता है। तो अफगानिस्तान में इसका स्थान है वो निर्धारित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा का गमन संभव होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, सुचालक बोलते हैं, मतलब जो करंट है उनमें से पास हो जाती है, मतलब जो हीट ऊष्मा जो भी है वो भी पास हो जाती है तो उन्हें सुचालक बोलते हैं दोस्तों। और अगर गमन संभव नहीं होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें कुचालक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो ब्राज़ील जो देश है वो सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन देश है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विश्व में सबसे छोटे लोकतांत्रिक देश का क्या नाम है। तो जो नोरू जो देश है वो सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक, सबसे छोटा लोकतांत्रिक है, मतलब यहाँ पर जो वोटर है वो सबसे कम है दोस्तों, यानी कि जो सरकार चुनी जाती है वो काफ़ी कम लोगों के द्वारा चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जीके के क्वेश्चन पढ़ सकें दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको और कैसा ही वीडियो और भी चाहिए तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अंत में जय हिंद वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।